रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज दोस्तों हमारा असेंबली लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें हम ये देखेंगे टाइप्स ऑफ जम्स इन असेंबली लैंग्वेज, कि असेंबली लैंग्वेज में कौन कौन सी जम्स होती हैं और उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। ओके, तो फर्स्ट नंबर के ऊपर दोस्तों जो हमारे पास जम्प की टाइप है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, वो होती है नियर जम्प। नियर जम्प, ठीक है। अब ये जो नियर जंप है, इसकी जो रेंज होती है वो 16 बिट डाटा तक होती है सिर्फ, ठीक है। 16 बिट्स डाटा, इन सेगमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नियर जंप उस जंप को हम कहते हैं जो जंप सिर्फ 16 बिट डाटा तक जंप कर सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल 16 बिट डाटा हमारा इतना होता है कि आपके अगर एक मेमोरी है तो उस मेमोरी के अंदर दो ब्लॉक्स को मिलाएं तो हमारा 16 बिट डाटा जो है कवर हो जाता है। तो इसका मतलब है अगर आप सिर्फ एक ब्लॉक से दो ब्लॉक छोड़ के चौथे ब्लॉक में अगर जंप करें तो हम उस जंप को कहते हैं नियर जंप, जिसकी रेंज क्या होती है सिर्फ 16 बिट। और ये जंप सिर्फ इन सेगमेंट होती है, मीन एक ही सेगमेंट में। जैसे आपको पता है मेमोरी में चार सेगमेंट होते हैं, डाटा सेगमेंट, कोर सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो किसी एक सेगमेंट में 16 बिट डाटा पर मुश्तमिल अगर हम जंप लगाएं तो उसे हम कहते हैं नियर जंप। देन दूसरे नंबर पे हमारे पास जो जंप आ जाती है उसे हम कहते हैं शॉर्ट जंप। शॉर्ट जंप, ये जंप जो है ये मुश्तमिल होती है जीरो से लेके 127 की रेंज में। ओके, 127 बिट्स की रेंज में, लेकिन इन सेगमेंट, ये भी इन सेगमेंट में होती है, ठीक है। अब नियर जंप क्या होती है? एक ही सेगमेंट में होती है लेकिन कितने बिट डाटा पर मुश्तमिल होती है? सिर्फ 16 बिट डाटा तक ही आप इसे जंप कर सकते हैं, ऐसी जंप को हम नियर जंप कहते हैं। लेकिन शॉर्ट जंप ऐसी जंप है जिसमें आप 0 बिट से लेके 127 बिट की रेंज तक जंप लगा सकते हैं, लेकिन इन सेगमेंट, एक ही सेगमेंट के अंदर, पूरी मेमोरी में नहीं, मीन 8 सेगमेंट से बाहर निकल के जंप नहीं आप लगा सकते, बल्कि एक सेगमेंट के अंदर रहते हुए आप 0 से 127 बिट्स डाटा पर अगर मुश्तमिल जंप लगाएं तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट जंप। देन अगर तीसरे नंबर पर जो हमारे पास जंप आ जाती है उसे हम कहते हैं फॉर जंप। फॉर जंप, ठीक है, FOR है कि FAR है, मेरे ख्याल से FAR जंप, फेयर जंप का नाम है, फेयर जंप, ठीक है। फॉर जंप ये ऐसी जंप है जो क्या करती है, इन बिटवीन टू सेगमेंट होती है, बिटवीन टू सेगमेंट होती है, और ये मोर देन 127 बिट्स होती है, मोर देन 127 बिट्स इन सेगमेंट और बिटवीन टू सेगमेंट, बिटवीन टू सेगमेंट्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो नियर जंप थी ये भी सेगमेंट के अंदर लगती है, शॉर्ट जंप भी एक ही सेगमेंट के अंदर लग सकती है, लेकिन ये जो फॉर जंप है ना, ये इसकी रेंज होती है 127 बिट से, जब आपका डाटा ज़्यादा हो जाता है ना, ठीक है, तब हम उस जंप को कहते हैं फॉर जंप। लेकिन ये जंप आप सेगमेंट के अंदर भी लगा सकते हैं और एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में भी आप जंप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोर सेगमेंट से जंप करके जाते हो डाटा सेगमेंट में, या डाटा सेगमेंट से एक्स्ट्रा सेगमेंट में, एक्स्ट्रा सेगमेंट से आपकी फॉर एग्जांपल स्टैक सेगमेंट में आते हो, तो ये आप क्या कर रहे हो, आप एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जंप करके जा रहे हो, और उसमें आपको पता है जब एक सेगमेंट से हम दूसरे सेगमेंट में जंप करेंगे तो उसके अंदर हमारी जो बिट्स की तादाद है वो 127 से कई गुना ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी जंप को हम कहते हैं फॉर जंप, और ये सबसे लॉन्ग जंप होती है, इसे हम लॉन्ग जंप भी कहते हैं, क्योंकि तीन टाइप्स की हमारे पास जंप थी। अब एक कंसेप्ट आपको ये बताना है कि असेंबली में आपको पता दो वैल्यूज होती हैं, अकाउंटिंग में भी हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, अकाउंटिंग में कौन कौन सी, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दो वैल्यूज होती हैं। अब असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो 16, और आपको पता है हमारे पास मैक्सिमम बिट्स कितनी होती हैं, 16 बिट्स ही हो सकते हैं, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल, आपको पता है मेमोरी में हम हेक्साडेसिमल को फॉलो करते हैं, तो नेगेटिव 16 बिट की जो मैक्सिमम रेंज है ना वो होती है 65,535, ठीक है, 65,535। इसी तरह हमारे पास जो पॉजिटिव 16 बिट्स होती है ना असेंबली के अंदर, पॉजिटिव 16 बिट्स, ओके, पॉजिटिव रेंज के अंदर, इनकी इनकी वैल्यू होती है मैक्सिमम 32,767,
ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब है पॉजिटिव में आप जीरो से लेके मैक्सिमम जो हाईएस्ट आपकी वैल्यू है ना मेमोरी के अंदर 16 बिट पॉजिटिव के अंदर वो होती है 32,767, लेकिन नेगेटिव के अंदर जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू है वो होती है 65,535 ना। इसका मतलब है आप 65,535 से ना तो आगे बढ़ सकते हो और पॉजिटिव के अंदर आप 32,767 से आगे नहीं जा मूव कर सकते, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट ये भी आपको बताने थे आज की वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में मेरे ख्याल से इतना ही, जिसमें हम टाइप्स ऑफ जंप सीखी और ये सीखा कि हमारे पास असेंबली लैंग्वेज के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव में हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक मूव कर सकती है, ठीक है। तो आई होपफुली आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया सीखेंगे। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इंशाल्लाह जरूर आपकी हेल्प करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।